जय श्री राधे। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति का निरूपण किया श्री प्रहलाद जी महाराज ने सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय में। श्रवण कीर्तन स्मरण नवधा भक्ति का जो अनुष्ठान क्रम बताया, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नेवलक्षणा, पुंसार पिता से तात्पर्य भक्ति में प्राणी मात्र का अधिकार है, जीव मात्र का अधिकार है। पुंसा जीव मात्र का बोधक है पुंस शब्द। यहां पर प्राणी मात्र भक्ति का अधिकारी है, और वह भक्ति कैसी हो? विष्णु अर्पिता, भगवान में अर्पित हो, यानी फलानुसंधान से शून्य हो, भगवान का भजन भगवान के लिए किया जाए। जैसे कि देवभूति मैया ने कहा था, अहो वतस्व पचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जहवु शश्नुरार्या ब्रह्मान चुरुनाम गृणंती एते। तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय में 7वां श्लोक। वह स्वपच भी श्रेष्ठ है जो प्रीति पूर्वक आपका नामोच्चारण करता है। अहो बत स्वपचोतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वह स्वपच यानी चांडाल, गरियान अर्थात श्रेष्ठ है, यज्जिह्वाग्रे जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम नर्तन कर रहा है, नृत्य कर रहा है, यानी जो आपका नामोच्चारण कर रहा है। किस लिए नामोच्चारण कर रहा है? तुभ्यम, चतुर्थी विभक्ति निमित्तार्थ में। आचार्य षष्ठी के अर्थ में भी इसको ग्रहण किए, तुभ्यम के स्थान पर तब का भी प्रयोग करके अर्थ किए। षष्ठी के अर्थ में यदि चतुर्थी को लेंगे तो तब नाम यानी आपका नाम, लेकिन विशेष अर्थ में और स्पष्टता लाने के लिए स्पष्ट जो चतुर्थी विभक्ति है उसका अर्थ किया आचार्यों ने कि तुभ्यम यानी निमित्तार्थ चतुर्थी, तुम्हारे लिए, आपके लिए, धन के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, वैभव के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए नहीं, अन्य किसी वांछा के लिए नहीं, तुभ्यम यानी आपके लिए। आपका नाम ले रहा है, आपका भजन कर रहा है, वह आपके लिए कर रहा है। अन्य वस्तु को लक्ष्य लेकर के करेंगे तो हमारी भक्ति, हमारा जो श्री ठाकुर जी का नामोच्चारण हम कर रहे हैं वह आभास में परिणित हो जाएगा, शुद्धा भक्ति के रूप में नहीं कहा जाएगा। पद्म पुराण में आता है,
नामैकम यस्यवाची श्रवण पद गतम श्रोत्रमूलं गतम वा शुद्धम वा शुद्धम व्यवहित रहतम तारयत्येव विप्र। एक नाम भगवान का, एक नाम नामैकम यस्य वाची जिसकी वाणी का विषय बन गया, वाणी से उच्चरित हो गया, स्मरण पतगतम स्मरण कर लिया, श्रोत्र मूलं गतंबा कानों से सुन लिया, शुद्धम बा अशुद्धम शुद्ध उच्चारण हुआ या अशुद्ध उच्चारण हुआ, वैदिक मंत्रों की भांति इसमें भय नहीं है। वैदिक मंत्रों में सामान्य स्वर त्रुटि भी हो गई तो अर्थ अनर्थ में परिणित हो जाता है, ऐसा भय यहां नहीं है। राम कह रहे हो अथवा रामो कह रहे हो सब चलेगा, कृष्ण कह रहे हो अथवा किशन कह रहे हो सब चलेगा, शुद्धम वा अशुद्धम व्यवहित रहतम तार यत्येव विप्र, निश्चित ही वह तार देता है। तो बोले उसका शीघ्र जो फल वर्णित है शास्त्रों में भक्ति का, नाम का, वह फल शीघ्र देखने में क्यों नहीं मिलता, तत्क्षण उसी क्षण। बोले तच्चेत देह द्रवण जनता लोभ पाखंड मध्य निक्षिप्तम न शीघ्र मेवात्र, वही नाम देह दैहिक की प्रतिष्ठा के लिए, लोभ अर्थ की प्राप्ति के लिए, जनता प्रदर्शन के लिए, लोग हमको देखें, पाखंड की बुद्धि से यदि वो उच्चरित किया गया तो न शीघ्र फलजनकम, निरर्थक तो नहीं है लेकिन उससे शीघ्र किसी फलोदय की प्राप्ति नहीं होगी, शीघ्र उसका फल देखने को हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आभास में परिणत हो गया। तो नाम भक्ति का अनुष्ठान तुभ्यम, देवभूति मैया कहती हैं आपके लिए, आपके लिए कब करेंगे, जब आप में प्रीति होगी, जिसमें प्रीति है जिसमें आसक्ति है व्यक्ति उसी को चाहेगा, उसी के लिए उसका सर्वस्व समर्पण होगा। और जब तक प्रीति नहीं है, आसक्ति नहीं है प्रभु में, तो महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया कि वह जिह्वा को नचाना है, केवल नचाते रहो जिह्वा को। गोविंद स्वामी जी श्रीनाथ जी के नित्य सखा परिकर में गोविंद स्वामी जी कहते हैं प्रीतम प्रीत ही सो पई है, यद्यपि रूप गुणशील सुघरता इन बातन न रिझई है। ठाकुर को रिझानो है, प्रभु को प्राप्त करनो है तो उनसे प्रेम करना सीखें, चित्त में उनके प्रति एक प्रीति का भाव, एक आसक्ति का भाव। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद अभिरहीण में, सामान्य कोई प्रिय परिकर हमारा हमसे बिछड़ जाता है, हम लोग रोते हैं, उसका चिंतन करते हैं, कितनी बार हम लोग रोए दुनिया के सामान्य परिकर के लिए, क्या एक बार भी झूठ मूठ के लिए भी हमारे आंसू निकले ठाकुर जी के लिए, कि कितने दिन हो गए, हमारी आंखों में कभी वह तड़प आई, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चहत कमल नयनन को निशदिन रहत उदासी, यह सूरदास जी की तड़प थी, आहर निस देखो चहत कमल नयनन को, श्री ठाकुर जी को देखना चाहते हैं। मीराबाई की तड़प थी,
प्रिय को पंत निहारत सगरी रैण विहानी हो। सखीरी मेरी नींद नसानी हो, रात्रि में नींद नहीं आ रही, निरंतर मार्ग को निहारती रहती हैं कि कब पता नहीं कन्हैया किस मार्ग से आ जाए। यह तड़प, यह प्रीति का एक लक्षण है। तो क्या यह प्रीति, यह उत्कंठा, यह अनुरक्ति हमारे चित्त में आई? क्या झूठ मूठ के लिए भी दो आंसू हमारी आंखों से गिरे? नहीं गिरे। गोविंद स्वामी जी कहते हैं, प्रीतम प्रीत ही सोपई है, जदपि रूप गुणशील सुघरता इन बातन न रिझई है। कोई बहुत बड़ा सुंदर है, रूपवान है, वो चाहे श्री ठाकुर जी हमारे रूप से आकृष्ट हो जाएं, गुणवान है, अनेक कला जानता है, वो चाहे हम अपने गुण से, हम अपनी कलाओं से ठाकुर जी को प्राप्त कर लें, असंभव है। शील सुघरता, अच्छा स्वभाव है, अच्छे स्वभाव से वश में करना चाहे, सुघरता सौंदर्य से। यदि इन्हीं बातों से भगवान प्रसन्न होते, रूप गुण शील सुघरता, सत्कुल में जन्म, धन वैभव, तो जितने ये गुणवान हैं, कलाकार हैं, धनवान हैं, ये आज भगवान को खरीद के अपने घर बैठा लेते। प्रहलाद जी ने कहा, नहीं, ये सब भगवान की आराधना के हेतु नहीं हो सकते। सप्तम स्कंद के नवम अध्याय में 9वां या 10वां श्लोक, मन्ये धना विजन रूप तपः श्रतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या ततोस भगवान गजयूथ पाया। प्रहलाद जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल 100% ये मानता हूं, मैं इसे सिद्धांत में परिवर्तन नहीं कर सकता, मन्ये, ये मेरी मान्यता है और यह मेरी मान्यता निरर्थक नहीं है। धन अविजन, धन माने वैभव, पैसा, कोई धन से भगवान को संतुष्ट करना चाहे, असंभव। यदि धन से भगवान संतुष्ट होते तो जितने पैसे वाले आज भगवान को खरीद के अपने घर बिठा लेते। मन्ये धना अविजन, अविजन माने कुल परिवार। तेज बड़ा प्रभाव है, बड़ी शक्ति है। बल शारीरिक शक्ति, पौरुष पराक्रम। मन्ये धना विजन रूप तपः श्रतौजा, तपस्या, बड़े बड़े तपस्वी हैं, तप में लगे भए हैं, अनेक प्रकार के तप, कोई लटक के तप कर रहा है, कोई जल में खड़े होकर के तप कर रहा है, कोई पंचाग्नि में तप रहा है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के प्रचंड ताप में महात्मा लोग तप तपते हैं, चारों तरफ पंचाग्नि अग्नि जला लेते हैं मई जून के महीने में, और केवल एक कॉपी न धारण करके बैठे हैं, सूर्य का प्रचंड ताप और एक जो मटका होता है मिट्टी का फोड़ करके उसमें बालू भर के उसमें भी अग्नि रख लिए और उसको खोपड़ी पर रख लिए, चारों तरफ से अग्नि में तप रहे हैं, बोले कर लो तप। शीत काल में दांत कटकटा रहे हैं लेकिन ठंडे जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, कर लो तप। प्रहलाद जी कहते हैं, मन्ये धना विजन रूप तपः श्रतौजा, श्रुत, एक से एक प्रकांड विद्वान पड़े हुए इस भारतवर्ष में, एक से एक प्रकांड विद्वान। यदि गणना की जाए तो हम लोग तो मक्खी मच्छरों में भी गणना नहीं होगी, इतने प्रकांड विद्वान पड़े हुए हैं। संपूर्ण ग्रंथ जिनको रटे पड़े हैं,
वैदिक ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ, संपूर्ण ग्रंथ रटे पड़े हैं। दक्षिण भारत में एक परीक्षा होती है, शलाका परीक्षा। प्राचीन भारत में उसी परीक्षा की परंपरा थी, ये लिखित परीक्षा नहीं होती थी। शलाका परीक्षा का तात्पर्य समझते हैं? सभी छात्र बैठे हुए हैं क्रमशः, आचार्य वर्ग आएंगे, एक उत्सव के रूप में आयोजन होगा, सभी के अभिभावक जन सामने बैठे होंगे, बड़े बड़े आचार्य शंकराचार्य जी, अन्य जो विद्वत वर्ग है वह बैठा होगा, उनके सामने जो नियुक्त किए होंगे परीक्षक लोग, वह परीक्षा लेंगे छात्रों की। छात्रों के सामने ग्रंथ रखा है, जैसे कोई भागवत का विशेषज्ञ है, किसी ने व्याकरण पढ़ा है, तो व्याकरण का यह ग्रंथ रखा है सामने। शिक्षक आएगा, वहां नकल वकल नहीं हो सकती। यह ग्रंथ उठाया, संपूर्ण ग्रंथ, एक सलाका होती है सींक, उसने सींक डाली ग्रंथ में, और जहां सींक डाली वहीं से खुल गया ग्रंथ, और खोल करके जो अध्याय जो श्लोक खुला वहां से शिक्षक ने बताया संतोषा समुद्रिक सेवा, अब यहां से आगे दो पंक्ति बोल दी, अब बोलो। जब तक शिक्षक मना नहीं कर रहा तब तक धड़ाधड़ बोलना है आगे, यदि बीच में थोड़ा सा भी रुक गया फेल। और उस ग्रंथ में से किसी भी प्रकार का वह प्रश्न कर सकता है। पुनः द्वितीय बार खोला, पता नहीं ग्रंथ कहां से खुलेगा, निश्चित नहीं है कि दसम स्कंदे ही खुले या पंचम स्कंदे ही खुले। जो खुल गया वहां से पुनः यदि शिक्षक आधा घंटे खड़ा है तो आधा घंटे तक आपको धड़ाधड़ धारा प्रवाह से बोलना है, बीच में रुकना नहीं है, बिना देखे बोलना है, देख करके नहीं। सामने इतने लोग बैठे, नकल कैसे करोगे? ये सलाका परीक्षा, संपूर्ण ग्रंथ हृदय में प्रतिष्ठित। तो ऐसे ऐसे विद्वान आज भी पढ़े भारतवर्ष में। दक्षिण भारत में प्रायः शलाका परीक्षा होती है, किसी को यजुर्वेद पूरा कंठस्थ है, किसी को अष्टाध्यायी पूरी कंठस्थ है व्याकरण की। प्रहलाद जी कहते हैं श्रुतौ जो पढ़ लो, लेकिन यह भगवान की आराधना का हेतु नहीं हो सकती। मन्य धनाभिजन रूप तप श्रतौजा तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो। परस्य पुंसो माने जो सबके स्वामी श्री ठाकुर जी हैं, उसकी आराधना के हेतु नहीं हो सकते, उनको बांध सकें ये। तो भाई वो किससे प्रसन्न होते हैं? बोले भक्त्या तुतोस भगवान गजयूत पाया। भक्ति नहीं है, प्रीति नहीं है, अनुरक्ति नहीं है, उनके प्रति प्रेम नहीं है, तो ये सब निरर्थक, अभिमान की वृद्धि करने वाले ही होंगे। भक्त्या तुतोस भगवान केवल और केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, क्यों? भगवान का नाम है भक्तवत्सल। यहां अनेक मनीषी महात्मा बैठे हुए हैं, विदुषी देवियां बैठी हुई हैं, सभी ने अनेकानेक ग्रंथों का अनुशीलन किया होगा। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में भगवान का नाम आपने गुणी वत्सल सुना है? गुणी वत्सल नाम किसी ने पढ़ा है किसी ग्रंथ में? रूप वत्सल, पंडित वत्सल, विद्वान वत्सल, धनी वत्सल, ये नाम आपने कहीं पढ़े हैं? किसी ग्रंथ में किसी ने पढ़ा हो तो बताए। शास्त्री वत्सल, आचार्य वत्सल, विद्वान वत्सल, ज्ञानी वत्सल, वैरागी वत्सल, भक्त वत्सल पढ़ा है? भगवान हरि बोल।
भगवान का नाम शास्त्रों में भक्त वत्सल है। प्रहलाद जी कहते हैं भक्त्या तुतोष भगवान गज युत पाया। भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह भक्त वत्सल है। कोई कहे कि आचरण से प्रभु प्रसन्न होते हैं, कोई कहे कि सदाचार से प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो व्याधस्याचरणम पद्यावली जी में श्री रूप गोस्वामी जी लिखते हैं व्याधस्याचरणम, व्याध ने कौन सा सदाचार किया था। जीवन भर हिंसा ही की थी और अंतिम वेला में भी जब प्रभु स्वधाम को प्रस्थान कर रहे थे उस काल में भी आकर के वाण ही मारा। व्याधस्याचरणम, हे नाथ। रूप गोस्वामी जी लिखते हैं पद्यावली में व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। व्याध ने कौन सा सदाचार का पालन किया था, क्या अच्छा आचरण किया था, जीवन भर हिंसा ही की थी, अंतिम बेला में भी बाण का संधान किया, भगवान के पैर में चरण कमल में बाण लगा। कोई कहे नहीं भाई बूढ़े बड़े इन पर ज्यादा खुश होते हैं, जिनकी कम से कम उम्र हो 105 वर्ष की उन पर जल्दी खुश होवे। तो बोले ध्रुवस्य किम वयः, ध्रुव जी की कितनी उम्र थी, 5 वर्ष के बालक। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य क्या। कोई कहे कि भाई नहीं पढ़े लिखे लोगों पर ज्यादा खुश होते हैं, तो कम से कम एमए पीएचडी जिन्होंने कम से कम की होगी उन पर जल्दी खुश होते हैं। तो विद्या गजेंद्रस्य का, उसे गजेंद्र बेचारा जो हाथी था वो कौन से कॉलेज में पढ़ने गया था, किस महाविद्यालय में वह पढ़ा था। विद्या गजेंद्रस्य का, कोई कहे नहीं भैया जो कम से जो ब्राह्मण कुल में जिन्होंने जन्म लिया या गोसाई कुल में जो प्रकट भए हैं उन्हीं पर भगवान प्रसन्न होते हैं। रूप गोस्वामी जी लिखते हैं का जातिर विदुरस्य, फिर बताइए विदुर जी की जाति क्या थी, किस जाति। कोई जाति नहीं, दासी पुत्र, दासी पुत्र थे विदुर जी। और महाभारत में प्रसिद्ध आख्यान है, शांति दूत बन के गए कन्हैया, दुर्योधन ने सुना शांति दूत बनकर के आ रहे हैं द्वारकाधीश, द्वारकाधीश को बस में करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो रूप रसिक हैं, तो जितनी भी नगर की रमणियां थीं वो उन सबको आदेश दे दिया कि सब सुंदर सुंदर षोड़श अलंकार से सुसज्जित होकर के और अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर आ जाएं। और दिव्य पकवान, बोले कन्हैया तो बचपन से ही चटोरे रहे हैं तो दिव्याति दिव्य पकवान बनवाना आरंभ कर दिया। श्याम सुंदर आए, बड़ा दिव्य भव्य हस्तिनापुर में स्वागत, पुष्पों की वर्षा हो रही है, दुर्योधन आदि सब आगे आगे अगवानी करने के लिए, कहीं दृष्टि नहीं, चारों तरफ देख रहे हैं कन्हैया जैसे किसी को एक उत्कंठा की दृष्टि से देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा, किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं। एकाएक देखा कि कोने में उधर विदुर जी खड़े थे, विदुर जी को संकेत कर दिया कन्हैया ने, विदुर जी ने देखा इतनी भीड़ में कन्हैया मुझे देख रहे हैं, विदुर जी का हृदय गदगद हो गया, इतनी भीड़ में भी मुझे इन्होंने पहचान लिया, एक कोने में खड़े थे वहां कहां गिनती थी विदुर जी की। विदुर जी को संकेत करके पुनः सभा में आए, दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन की समझ में कुछ नहीं आया, विदुर जी एक कोने में खड़े हुए हैं सभा में। दुर्योधन ने कहा केशव सुचाग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, आप शांति की वार्ता करने आए हैं, 5 गांव दे दो, 5 गांव की बात तो क्या, सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि में पांडवों को नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और भगवान को ही बांधने के लिए तैयार हुआ, धृतराष्ट्र ने समझा ये क्या कर रहा है, द्वारकाधीश बिगड़ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा,
अरे इनको प्रेम से पहले प्रसाद तो पबा। दुर्योधन ने कही अच्छा अरे द्वारकाधीश, राजनीति की वार्ताएं तो बाद में होती रहेंगी, चलो आज हमारे घर में 56 भोग मैया ने आप ही के निमित्त बनाए हैं। कन्हैया ना गा, देखो दुर्योधन, भोजन दो स्थितियों में किया जाता है, या तो खाने वाले को भूख लगी हो तो मान अपमान कहीं कुछ नहीं देखता, कैसे भी मिल जाए, और या खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो तो यद्यपि भूख नहीं है लेकिन उसके प्रेम की विवशता से व्यक्ति खा ही लेता है, और यहां दोनों ही बात नहीं है, न तो मुझे भूख है न तुम्हारे अंदर प्रेम है। और फिर आज तो मेरा वैसे भी निमंत्रण विदुर काका के यहां है। अब विदुर जी कोने में खड़े बोले मैंने कब निमंत्रण दिया इन्हें, जबरदस्ती जाटवारी बात। वामन देवता ने कही कि हमारे 8 अक्षर झेल लियो जाट देवता तू। बोले कहा, बोले हम तुम्हारे जेवेंगे। जाट देवता ने कही ठीक है मैंने तो झेल लिया, मेरा 1 अक्षर तू झेल लियो। बोले कहा, बोले ना। तो जबरदस्ती अपना निमंत्रण, बोले हमारा तो निमंत्रण विदुर जी कहां के यहां है, और विदुर जी वहां खड़े। विदुर जी ने कहा लो कोई भरोसा नहीं, कहीं चले आए तो कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो विदुर जी वहां से धीरे से खिसक लिए बाजार की ओर। इनको क्या अच्छा लगता है, दिव्य लड्डू पकवान और अनेक अनेक सामग्रियां। इससे पहले विदुर जी लेकर के आ पाते, स्वयं कन्हैया घर में पहुंच गए, दरवाजे खटखटायो, विदुरानी जी प्रेमावेश में, अरे कन्हैया हमारे घर आओ, कन्हैया बैठो। प्रेमावेश में, यहाँ तक कहते हैं कि देहानुसंधान ही नहीं था, उस समय स्नान कर रही थी। कन्हैया ने अपना पीतपट उड़ा दिया और कन्हैया हमारे घर आए, आओ कन्हैया यहाँ बैठो, पीड़ा लेकर के कहीं यहाँ, अच्छा ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ नहीं, इधर आओ यहाँ बैठो, वहाँ बैठने को ये ठीक नहीं है, इधर आओ, वहाँ पीड़ा डाल देती हैं। प्रेमावेश में संपूर्ण घर में कन्हैया को घुमायो, वो कन्हैया घूम रहे हैं और वो पीढ़ा उल्टो डाल दियो, कन्हैया बैठो, बैठ गए। बोले काकी भूख लगी है, कछु खाएवे कू हो तो प्रेमावेश में वही कदली फल केला के फल ले आई और बैठी हैं, अपने हाथ से खिला रही हैं, छिलका श्याम सुंदर को खिला रही हैं, केला के अंदर का भाग नीचे गिराती जा रही हैं, कन्हैया खाते जा रहे हैं प्रेम से। इतने में विदुर जी का आना हुआ, विदुर जी आए, अरे विदुरानी आज द्वारकाधीश आने वाले हैं, और अंदर आकर के देखा वो तो पहले ही घुसे बैठे हैं घर में। अरे अरे द्वारकाधीश साहब, हाँ काका जी भूख जोर की लगी थी, हम चले आए, ये तो हमारा सौभाग्य। लेकिन ये आप क्या कर रही हैं विदुरानी जी, पहली बार तो इस गरीब की कुटिया में द्वारकाधीश आए और आप ये छिलके खिला रही हैं, और कन्हैया आप भी धन्य हैं, आपने ही बताया नहीं आप भी छिलके खाते जा रहे हैं। कन्हैया बोले काका जी हमको तो नहीं पता कि हम छिलके खा रहे हैं, हमको तो केवल इतना पता था जो खा रहे हैं बहुत अच्छा खा रहे हैं। अरे आपकी तो प्रयास करने की आदत है, चलो ये हटाओ लड्डू खाओ। लड्डू खाया, बोले काका जी बुरा न माने तो एक बात कहें, स्वाद हमको छिलकों में आ रहा था वो लड्डू में नहीं आया। रूप गोस्वामी जी लिखते हैं का जाते रे विदुर से, विदुर की क्या जाती थी, वहां जाकर के खाए। कोई कहे नहीं भाई, जो धनवान होता है उस पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा जी के पास में कौन सा वैभव था, कौन सा धन था। कोई कहे नहीं भाई, जो रूपवान होता है उस पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो कुब्जाया किम रूपम अधिकम, कुब्जा जो वेचारी त्रिवक्रा थी, कुबड़ी थी, जिसको सब कुबड़ी कुबड़ी कहते थे, उसमें कौन सा सौंदर्य था, कौन सा लावण्य था, वहां भी प्रसन्न हो गए। निष्कर्ष भक्त्यातुतोष परमया भक्ति प्रियो माधवा, श्री ठाकुर जी भक्ति से
प्रीति से प्रसन्न होते हैं। भक्ति के बिना, प्रीति के बिना सब निरर्थक हो जाता है। इसलिए गोविंद स्वामी जी कहते हैं, प्रीतम प्रीति ही सोपई है, यद्यपि रूप गुणशील सुघरता इन वातन न रिझई है। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण वेद पुराण पढ़ई है, कितने भी वेद पुराण पढ़ लो, गोविंद बिना स्नेह सुवालों रसना कहा जो न चाहिए। स्नेह नहीं है उनके प्रति, प्रीति नहीं है, तो बोले जीव नचा लो फायदा नहीं है। तो प्रीति के बिना तो भाई जीव नचाना ही है, तो जीव नचाए भी तो कोई फायदा ना है। वह प्रीति, वह आसक्ति, वह दृढ़ अनुरक्ति उनके चरणों में हो, प्रीति पूर्वक भक्ति का अनुष्ठान हो, तो उससे सहज में श्री ठाकुर जी की अनुभूति और उनके उस दिव्य प्रेम का आनंद अनुभव होने लग जाता है। जय श्री राधे।